हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हो सारे, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस आपने फर्स्ट टाइम देखा वो वाला रील है गाइस, बहुत ही वायरल हो रहा है इंस्टाग्राम पे गाइस, और ऐसे तरीके से बनाकर अपनी रील्स को आप लोग भी वायरल कर सकते हो। और गाइस अच्छे खासे रिस्पॉन्स आने वाले हैं, आप लोग भी कुछ इसी टाइप से रील बनाओगे। तो गाइस इसको बनाने के लिए सिंपल स्टेप है, आपको वीएन एडिटर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसके बाद प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है गाइस, और यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर जाना है, और यहाँ से गाइस अपने जो वीडियो रिकॉर्ड किए हैं उसको यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप गाइस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। इसके बाद गाइस आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमारी वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी है गाइस, तो इसको मैं यहाँ तक स्प्लिट कर लेता हूँ, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा वीडियो है इसको डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद गाइस लास्ट में जो ब्लैक वाला बैकग्राउंड बचेगा इसको भी आपको यहाँ से कर देना है आपको डिलीट, ठीक है। इसको आपको रखना नहीं है, ब्लैक बैकग्राउंड को कर देना है डिलीट। डिलीट हो जाने के बाद गाइस हमें करना क्या है गाइस, हमें हमारे वीडियो में स्लोमो ऐड कर देना है। तो स्लोमो ऐड करने के लिए स्पीड वाले गाइस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से रेगुलर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से गाइस इसको कुछ इस टाइप से माइनस पे लेके चलेंगे, जिससे आपकी ये जो है वीडियो है ना स्लोमो हो जाएगी गाइस, ठीक है, स्लोमो ऐड हो जाएगी अपनी वीडियो पर। तो कुछ मैं इतना रख लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ से मैं सिंपली कर देता हूँ राइट, ठीक है। इतना हो जाने के बाद गाइस वीडियो की लेंथ को आपको 8 सेकंड या फिर 10 सेकंड के आसपास रख लेना है, ठीक है, अपने हिसाब से। तो यहाँ से मैं 8 सेकंड रख लेता हूँ, और बाकी जो इस तरह वीडियो है उसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डिलीट हो जाने के बाद गाइस आप लोग देख सकते हो हमारी वीडियो में पूरे बराबरी तरीके से अच्छे तरीके से स्लोमो ऐड हो चुकी है। तो गाइस मेरा गलत थोड़ा आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा आज, तो उस पर ध्यान न दें, ठीक है। तो इसके बाद गाइस टैप टू स्टिकर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें, यहाँ से वीडियोस फोटो में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से गाइस स्काई वाली जो वीडियो है ना उसको आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे सारे मटेरियल मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से गाइस हमको स्काई ऐड कर लेना है, तो ये रहा स्काई, इसको गाइस अपने वीडियो के जहाँ पर स्काई भाग है उस टाइप से आपको ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ, तो आप लोग भी अपने वीडियो के हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इसके बाद गाइस मास्क वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है, और यहाँ से गाइस आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे डबल टैप करना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। इसके बाद गाइस आपको जो ऑप्शन दिख रहा है ऊपर में, ठीक है, उस पर आपको कुछ इस टाइप से जो है एडजस्ट कर लेना है, और यहाँ से गाइस आपको जो है एरो वाले जो आइकन दिख रहा है उसको आप लोग कुछ इस टाइप से करके अपनी वीडियो को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद गाइस हमें करना क्या है गाइस, ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे जाना है, और इसके जो स्काई है उसको ब्लेंडिंग मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, और यहाँ से राइट करके आपको जो है स्काई वाले वीडियो है ना उसको फुल रख लेना है आपके वीडियो के लेंथ में, ठीक है, कुछ इस टाइप से, ठीक है। इसके बाद गाइस देख सकते हो कुछ इस टाइप से जो हमारी स्काई है ऐड हो चुकी है, तो गाइस देखने में बहुत ही गजब लग रहा है, ठीक है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। और गाइस इसके म्यूजिक को पूरी तरीके से म्यूट करने के बाद गाइस यहां से आपको सिंपली कर देना है एक्सपोर्ट, ठीक है। तो यहां पे गाइस एक्सपोर्टिंग होने लगा है। इसके बाद गाइस हमें करना क्या है गाइस, यहाँ से आपको सिंपली बैक कर लेना है, ठीक है, और गाइस प्रिक्वेल एप्लीकेशन को ओपन करना है, ठीक है। तो आपको प्ले स्टोर पर ईजिली मिल जाएगा, प्रिक्वेल लिख के सर्च करेंगे तो, ठीक है, तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सिंपली गाइस आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ से गाइस हमने जो जस्ट वीडियो अभी जो एक्सपोर्ट किया है उसको यहाँ से आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हमारी वीडियो है ऐड हो चुकी है। इसके बाद गाइस हमें करना क्या है, हमें गाइस फिल्टर्स का जो यूज़ करना है, तो फिल्टर्स यूज़ करने के लिए गाइस आपको ऊपर में फिल्टर्स वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर गाइस जो फिल्टर है गाइस इंडिकेट, ठीक है, आपको चौथे नंबर पे दिख रहा होगा ट्रेंड्स में इंडिकेट, उस पर गाइस क्लिक करेंगे, और गाइस उसके जो सेकंड वाला जो फिल्टर है ना उसका हमें यूज़ करना है। तो सिंपली सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से गाइस आपको फिर सेकंड वाले फिल्टर पे क्लिक करके यहाँ से आप लोग अच्छे तरीके से अपनी वीडियो को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, बराबरी से। तो यहाँ से आप लोग एडजस्ट करके यहाँ से राइट कर देना। इसके बाद गाइस हमें करना क्या है, हमें गाइस जो है इफेक्ट्स ऐड करने हैं, ठीक है, इफेक्ट्स उस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से गाइस आपको नीचे में स्क्रॉल करने पर मिलेगा ऑप्टिकल, ठीक है, ये रहा ऑप्टिकल, उस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से गाइस आपको जो है एक अच्छा सा धमाल वाला इफेक्ट्स बताने वाला हूँ, ये वाला, ठीक है, इसके आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो इस पर गाइस आप लोग क्लिक करते ही जो आपकी वीडियो में जादू हो जाने वाला है, देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस जो हमारी स्काई की जो लाइट है ना गाइस
बहुत ही अच्छे तरीके से ग्लो हो रही, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही गजब लग रहा है देखने में। तो गाइज़ यहाँ से आप लोग अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से मैं कुछ हल्का सा एडजस्ट करके यहाँ से गाइज़ नीचे में आपको एडजस्ट वाला ऑप्शन शो हो रहा है, उस पर गाइज़ आपको क्लिक करके यहाँ से आपको भी एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो गाइज आपको भी कुछ इसी टाइप से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक एडजस्ट होते तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, गलत ठीक नहीं है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। फाइनली गाइस एडजस्ट हो जाने के बाद गाइस आपको ऊपर में एरो वाला ऑप्शन तक क्लिक कर लेना है। उसके बाद गाइस हमारी वीडियो है एक्सपोर्टिंग होने लगेगी, ठीक है। तो आपको 100 होने तक वेट करना है गाइस। 100 हो जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे गाइस आपको सेव वीडियोस जो ऑप्शन शो रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो हमारी वीडियो है गैलरी में सेव हो जाएगी। इसके बाद गाइस यहाँ से कर लेना है आपको बैक, और गाइस आपको सिंपली फिर से आपको विन एडिटर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, और यहाँ से गाइस जो हमने अभी वीडियो ऐड की है, वीडियो एडिट की है, ठीक है, उसको यहाँ से आपको फिर से आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ऐड कर लेते हैं जो हमने वीडियो अभी जस्ट एडिट की है, ठीक है। फाइनली गाइस ऐड हो जाने के बाद गाइस आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, देख सकते हो कि हमारी जो वीडियो है गाइस बहुत ही गजब का लग रहा है। इसके बाद गाइस लास्ट टाइम फिर से ब्लैक वाला बैकग्राउंड आ जाएगा, इसको यहाँ से फिर से आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। और इसके बाद गाइस हमें कर देंगे म्यूजिक ऐड कर देते हैं। म्यूजिक ऐड करने के लिए टैप टू स्टिकर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, वीडियो फोटोज़ पर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से गाइस जिस वीडियो में म्यूजिक है, ठीक है, उसको यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको गाइस मेरे टेलीग्राम चैनल पे म्यूजिक ही मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं म्यूजिक को, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस प्रोसेसिंग हो रहा है, वेट करते हैं कुछ टाइम। वेट करने के बाद गाइस जो हमारी वीडियो फाइनली ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो ऐड हो जाने के बाद गाइस आपको पहले इसको मैं पहले एडजस्ट कर लेता हूँ अपने वीडियो के लेवल पे, ठीक है। इसके बाद गाइस हमें करना क्या है गाइस, जो है हमें इसको गाइस म्यूजिक को बाहर निकालना है इस वीडियो की, ठीक है। तो यहाँ से पहले मैं वीडियो को इसके म्यूजिक के लेंथ में ले लेता हूँ, ठीक है, और इस तरह वीडियो को डिलीट कर देता हूँ। इतना हो जाने के बाद गाइस हमें करना क्या है, वीडियो पे क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पे गाइस एक्सट्रैक्ट ऑडियो, ठीक है, उस पर आपको क्लिक करना है। तो देख सकते हो हमारी इस वीडियो के गाइस ऑडियो ऊपर में आ चुके हैं। इसके बाद वीडियो पे क्लिक करेंगे गाइस, और इसको यहाँ से कर देना है आपको डिलीट, ठीक है। इस वीडियो को आपको रखना नहीं है गाइस, इसको आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डिलीट कर देते हैं। इसके बाद गाइस हमें करना क्या है, म्यूजिक पे क्लिक करना है, और यहाँ से गाइस बीट्स पे जाना है, और यहाँ से गाइस आपको प्ले करके बीट्स ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से गाइस हम लोग प्ले करके बीट्स ऐड कर ले रहे हैं, तो आप लोग भी प्ले करके बीट ऐड कर लीजिएगा गाइस, सिंपल है, ठीक है। आप लोग जैसे वाइट झंडे पे क्लिक करते जाओगे बीट ऐड होते जाएगा कुछ इस टाइप से, नॉर्मल बीट एडिटिंग बीट ऐड करना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से आप लोग देख सकते हो। और इतने में भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग स्क्रीन शॉट भी रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ से कर देना है राइट। इसके बाद गाइस बीट के अकॉर्डिंग अपनी वीडियो को स्प्लिट करते जाना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो आप लोग भी कर लीजिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना। और गाइस आपको कोई सा भी ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पे मेंशन करके बता सकते हो, या फिर मैसेज करके बता सकते हो, या फिर गाइस आपको वीडियो के नीचे सिंपली कमेंट कर देना है कि भाई इसका ट्यूटोरियल ला दो, ठीक है। इसके बाद गाइस हमें एनिमेशन ऐड करने के लिए सिंपली प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से गाइस जूम वाला जो एनिमेशन है इसको सेलेक्ट करके यहाँ से कर देंगे राइट। फिर से अगले वीडियोस पर जाएंगे, फिर से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ से जूम इन कर देते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन को फुल रख के यहाँ से कर देते हैं राइट। फिर से गाइस जो यहाँ पे जो हमारी वीडियो है गाइस छोटी छोटी है, ठीक है, तो इसको गाइस हमें इफेक्ट्स अगर यूज़ करना है इसमें, ठीक है, तो इफेक्ट्स पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से गाइस हमको कर लेते हैं जूम इन, ठीक है, और यहाँ से साइज को फुल रख के यहाँ से कर देते हैं राइट। फिर से अगले वीडियो पर जाएंगे और इफेक्ट्स पर जाएंगे गाइस, और यहाँ से गाइस आपको कोई सा भी इफेक्ट्स यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं गाइस कर लेता हूँ जिटर अप, ठीक है, और इसके साइज़ को फुल रख के यहाँ से कर देंगे राइट, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो छोटे छोटे वीडियो है ना, हमने छोटे छोटे वीडियो जो कटिंग की है, ठीक है, स्प्लिट की है, उस पर आपको इफेक्ट्स का ही यूज़ करना है, ठीक है।
तो यहाँ से आप लोग भी कुछ इसी टाइप से यूज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ पे गाइस मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर देता हूँ, वीडियो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा लंबी हो चुकी है, ठीक है, जिसको हम लोग थोड़ा जल्दी करते हैं। फाइनली गाइस एनिमेशन ऐड हो जाने के बाद गाइस आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है, कि कुछ इस टाइप से हमारी वीडियो है बन चुकी है, बहुत ही गजब का लग रहा है गाइस, देख सकते हो गाइस। आप लोग ना जो हमने वीडियो ऐड की है उसके अकॉर्डिंग आप लोग फोटो भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो ऐड करो या फिर फ़ोटो ऐड करो, ठीक है। आप लोग फ़ोटो ऐड करेंगे तो और बढ़िया है, बहुत ही गजब का लगेगा, फ़ोटो में भी जो है एनिमेशन है बहुत ही ऑसम लगने वाला है गाइस। इसके बाद गाइस हमें सिंपली एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और हमारी वीडियो है सेव होने लगी गाइस। ओके गाइस, मिलते हैं किस नेक्स्ट वायरल ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।